ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस एंड हैप्पीनेस। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से। कैसा रहेगा आज का दिन और क्या है कृष्णा एंजल मैसेज आप लोगों के लिए और क्या है मिरेकल मैसेज। तो स्टार्ट करते हैं टू ऑफ सोर्स द हायरोफेंट। आज आपके या तो इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दो चीजों को लेकर, दो चॉइसेस को लेकर, बहुत ज्यादा सोच में हैं आप, डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे क्या करना चाहिए आपको, बहुत ज्यादा थॉट्स में गुम हो सकते हैं आप, खो सकते हैं कहीं ना कहीं, या फिर किसी और के साथ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, कोई यंग एनर्जी हो सकती है या कोई भी हो सकता है वर्क प्लेस पर, फैमिली में, जिसके साथ आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस। यहां पर अगर आर्ग्यूमेंट में मत फंसिए, निकल जाइए, बी अ वाइज पर्सन। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो इसीलिए होती है कहीं ना कहीं ताकि आप अपने गाइडेंस को लेकर पॉजिटिव एक्शन के साथ अपने दिन को इंप्रूव कर सके, दिन को बेटर बना सके। तो यहां पर या तो इस सिचुएशन में आप फॉरगिव कर रहे हो अपने आप को, उस पर्सन को, या वो पर्सन आपसे फॉरगिवनेस मांग रहा है। इन एनी हाउ इस सिचुएशन में से आप बड़ी आसानी से निकल पाओगे और बहुत कुछ सीख पाओगे, विजडम गेन करोगे और चेंज आएगा इस सिचुएशन में। सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपके डिवाइन आपको जो है इस सिचुएशन में हेल्प कर रहे हैं, आपको फॉरगिव कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। अगर आप बहुत पीसफुल पर्सन हो, आप पीस को नहीं खोना चाहते या किसी के साथ आप इस आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना चाहते हो, आप कई बार क्या होता है कि हम लोग नहीं फंसना चाहते लेकिन दूसरे के एक्शन की वजह से हम लोग कई बार रिएक्शन दिखा देते हैं, तो उस वजह से ये इस तरह के डिस्प्यूट में फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस आप बड़ी आसानी से, आराम से इस सिचुएशन को चेंज कर पाएंगे और पीस ले पाएंगे, ला पाएंगे। यहां पर है आप लोगों के लिए कृष्णा मैसेज आज के लिए। देर आर टू वेज ऑफ स्प्रेडिंग लाइट, टू बी द कैंडल और द मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स इट। ये बहुत अच्छे से आपके लिए जाता है कि आपको अपने आप को समझना है, एज ए मेच्योर पर्सन आपको एज ए वाइज पर्सन बिहेव करना है इसी सिचुएशन में, और आपके अपने सोल लेसन्स को याद कीजिए, जो भी आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको याद कीजिए और एज ए मेच्योर पर्सन बिहेव कीजिए। आज के लिए एंजल मैसेज भी यही है, पीस। तो आप वो एंजल भी लेट गो कर रही है, तो लेट गो करने की जरूरत है आपको कुछ भी सिचुएशन में, या जो भी आपकी थॉट्स हैं या जो भी ओपिनियंस है। आर्कएंजल कैमियल, पीस कम्स फ्रॉम रिमेम्बरिंग दैट ओनली लव इज रियल। सो लव के ऊपर फोकस कीजिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। योर क्रिटिसिज्म हर्ट्स योर सोल, तो अपने आप को क्रिटिसाइज मत कीजिए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों को फॉरगिव करना और अपने आप को भी फॉरगिव करना, माफी मांगने में और माफ करने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। समझदारी इसमें होती है कि आप सिचुएशन को लेट गो करो और उसमें से विजडम गेन करो और लेसन सीखो कि आगे से आप इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को नहीं डालोगे और ये पैटर्न रिपीट नहीं करोगे रिएक्शन वाला, और पीस से कनेक्टेड रहोगे, इनर पीस से कनेक्टेड रहोगे और स्ट्रांग रहोगे उस सिचुएशन में। आज के लिए आप लोगों की पॉजिटिव अफर्मेशन ये है, आई एम सेफ, द यूनिवर्स ऑलवेज प्रोटेक्ट्स मी, आई एम सिक्योर। और डीप ब्रेथ के साथ बोलिए, आई लेट गो ऑफ फियर्स, आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। ये पूरी सिचुएशन के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है, ये अफर्मेशन आज बोलिए ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ में रहें और फियर्स को लेट गो कर सकें, पीस क्रिएट कर सकें। आज के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि ये काम मेरा कब होगा, तो आप पूछ सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आज डिवाइन टाइमिंग डेक में से मैंने एक कार्ड निकाला है, तो मुझे इंट्यूटिव मैसेज आया था। आप लोगों में से कोई ना कोई शायद
इम्पेशंस हो रहा है या किसी को जानने की जरूरत है कि वो काम आपका कब होगा, तो मैंने आप लोगों के लिए एक कार्ड निकाला है, तो आप पॉज कर सकते हैं, किसी एक क्वेश्चन को पूछिए राइट नाउ, क्योंकि मैं उसका आंसर रिवील करने वाली हूं। पहले मन में सोच लीजिए जो भी आपका क्वेश्चन है, तो ये है उसका आंसर। क्रिसमस यानी कि दिसंबर में क्रिसमस आती है, तो क्रिसमस में आपका ये काम होने वाला है जो भी आपका क्वेश्चन था, अपने लव, करियर, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, जहां पर भी आपने ये क्वेश्चन पूछा था, जिसके लिए भी आज का दिन आप कैसे बेस्ट बना सकते हैं, लेट इट गो। अक्टूबर का ही कार्ड है, तो ये सूखे हुए पत्ते जिस तरह से ट्री भी लेट गो करता है इनको, क्योंकि ये और अब रेजोनेट नहीं करते हैं ट्री के साथ, तो ये लेट गो हो रहे हैं। तो आप भी लेट गो कीजिए ऐसी सिचुएशन को, ऐसी थिंकिंग को, क्रिटिसिज्म को लेट गो करना है आज। उससे आप जो चीजें, जो एनर्जी आपको रेजोनेट नहीं करती है, जो सिचुएशन, उसको लेट गो करने से आज अपने दिन को आप बेस्ट बना सकते हो, पीस में जा सकते हो। और लास्ट में है आपका मिरेकल मैसेज ऑफ द डे। मिरेकल मैसेज आप लोगों के लिए ये है आज के लिए कि आज आप अपने ट्रुथ के साथ कनेक्टेड रहोगे, विच इज रियली ब्यूटिफुल। इसलिए यहाँ पर स्ट्रेंथ के बारे में भी बताया गया है, आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। अपने ट्रुथ के साथ, जब आपको पता है कि आप सच्चे हो, तो अपने ट्रुथ के साथ आप कनेक्टेड रहोगे, आपको डरना नहीं है, आप डरोगे नहीं। मैं ये लैरिमार क्रिस्टल है जो पीस क्रिएट करता है लाइफ में, हार्मनी क्रिएट करता है, आपकी माइंड बॉडी सोल को हार्मोनाइज करता है। तो आज ये हार्मनी क्रिएट कर पाओगे माइंड बॉडी सोल में आप, और अपने ट्रुथ के साथ, अपनी सच्चाई के साथ स्टिक रहोगे, जो होना भी चाहिए। ये मिरेकल है आपका, अगर कहीं ना कहीं आप डर जाते हो अपने सच बोलने से या सच बताने से, लेकिन आज आप उस सच्चाई को बताने से, कम्युनिकेट करने से, रखने से, कनेक्ट करने से, उस सच्चाई से आप डरोगे नहीं। तो ये थी आप लोगों के लिए मिरेकल मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पेड पर्सन रीडिंग और टैरो सीखने के लिए आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 12 अक्टूबर को मेरे नए टैरो एंड ऑरिकल का नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप साइन इन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू अगेन थैंक यू सो मच, एंड हैव अ वेरी ब्यूटिफुल एंड पीसफुल डे। बाय फॉर नाउ।